हे गाइस, वेलकम टू देसी फिरंगी। आई एम खुशी। हमारे देश में हर साल ना जाने कितने ही बलात्कार होते हैं, कई पुलिस थानों तक पहुंचते हैं, केस दर्ज होता है और कई घरों में और चार दीवारियों के अंदर ही दम तोड़ देते हैं। कुछ साल पहले निर्भया ने पूरे देश को एकजुट कर दिया था। एक बार फिर हमारे देश में ऐसा ही अपराध हुआ है और फिर से पूरा देश एक साथ खड़ा है। समझ नहीं पाती हूँ मैं कि अगर पूरा देश एक साथ है तो आखिर कौन है वो लोग जो इस तरह की हरकत करते हैं। आप में से और हम में से ही कोई होंगे ना। कौन होते हैं वो लोग, कौन से घर से आते हैं, किन परिवारों से आते हैं जो इस तरह की गंदी हरकतों को अंजाम देते हैं। मुझे नहीं पता किसे ब्लेम करना है, गवर्नमेंट को, उस लड़की को, उसके पेरेंट्स को, हमें, आपको, पड़ोसियों को, राह चलते लोगों को, नहीं पता। लेकिन रेप तो हुआ है ना, किसी की जान गई है। इस वीडियो में मैं किसी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं लगाना चाहती, लड़कियों के लिए कोई पिटी नहीं चाहती हूँ। मैंने कुछ लाइनें लिखी थी, मैं वही आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। दिन ढल गया था, शहर में अंधेरा था, तेरी ही गलती थी, तुझे घर में रहना था। माँ है, बेटी, बहन और पत्नी है, तू लड़की है, शायद यही तेरी सबसे बड़ी कमी है। तेरी लाश पे भी सब राजनीति करेंगे, तूने क्या क्या गलती की, तुझे ही उपदेश सुनने पड़ेंगे। जिसने तेरी ये हालत की वो आज भी सर ऊंचा कर खड़ा था, लोग कहते हैं तेरी ही गलती है, तुझे घर में रहना था। तू पढ़ लिख कर काबिल बनी, देश में अपना नाम किया, तेरी ही गलती है, तूने क्यों उसको जन्म दिया। तेरे लिए सब कैंडल मार्च करेंगे, बेटा, बाप, भाई, सब तेरे लिए खड़े रहेंगे। लेकिन कौन है वो जो जिम्मेदार है, नेता, पुलिस, बाप, भाई, सब खुद को समझते तेरे चौकीदार है। तू रोई होगी, तड़पी होगी, जोर जोर से तेरा दिल चिल्लाया था, तेरी ही गलती है, तुझे घर में रहना था। इतनी रात गए, तुझे बाहर नहीं जाना था, तेरी ही गलती है, तुझे घर में रहना था। बेटी पढ़ाएंगे, बेटी बचाएंगे का नारा हमने दिया था, बेटों को तहजीब सिखाएंगे, इसका ख्याल तो जहन में कभी ना था। तेरे साथ जो हुआ शायद तू ही जिम्मेदार है, वो लोग ही नहीं, हम सब भी तेरे गुनहगार हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।